जैसे दीदी ये सारे चीज जो आपके सामने फैला हुआ है ना, आपने कहा कि जितने भी वस्तु है संसार में, अगर समझ से उनका उपयोग करें तो उसको आसक्ति नहीं कहा जा सकता। नहीं, क्यों नहीं, आसक्ति क्यों है? समझ से अगर वो तो जब शरीर मिलेगा आत्मा को तो उसको तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए 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 ना, पक्का। तो देवताओं का वो सब कुछ था ना, लेकिन उनको देह का बॉडी का अभिमान नहीं था कि ना, कि उनको ज्ञान था मैं आत्मा, आत्मा इस शरीर से काम करती है। अब हम लोग को कलयुग में तो भूल गए, तो देह ही याद आने लगी। होता है ना, देखो लौकिक में कलयुग में भी अभी कोई अपने राजे नशे में रहेगा और कोई अपने धन के नशे में रहेगा और कोई अपने नाम के समाज में परिवार में नाम के रहते ना, तो फर्क होते ना। सही बात है, सही बात है। इसलिए देवताएं जो थे वो सब कुछ पहनना करना चलना जन खुशहाल थे वो तो, लेकिन उनको भी तो कपड़ा चाहिए ना, देवताओं को कपड़ा दिखाते हैं ना, मुकुट भी चाहिए, देवताओं को जेवर दिखाते हैं ना, देवताओं को हम भी भोग लगाते हैं ना, चाहे वो खाते नहीं है क्योंकि साकार में तो है नहीं, तो खाएंगे क्या? इसलिए भावना है ना हमारी बनी हुई। हम लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध में चलो ब्राह्मण को किसी को खिलाते है ना, तो हमारे पूर्वज तो है नहीं है लेकिन उनका नाम तो है ना, आत्मा अजर अमर है ना, इसलिए आसक्ति होनी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। जी जी, जैसे मैं इस सारे गरीब मुल्कों में काम करता हूँ, अफ्रीका में भी महागरीबी है, नेपाल भी गरीबी मुल्क है वैसे। अब रहता हूँ 5-star होटल में, वहाँ का जो जितने भी सुख सुविधा है वो भोगता हूँ। कल सुबह हुआ, फिर कहीं अब अफ्रीका में कहीं फील्ड में गया, देखा कपड़े नहीं है, बीमार है, किसी को एड्स लगा हुआ है, किसी को वो है। फिर कभी कभार मन में लगता है कि इनके लिए काम मैं जो कर रहा हूँ, मगर मेरे ज्ञान और आचरण में फ़र्क है, क्योंकि मैं रहता तो एक बहुत ही विलासी उसमें ही रहता हूँ, माहौल में ही रहता हूँ, तो मन में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये क्या बात है? क्या है इसकी? शिव बाबा ने हम लोग को समझ दी। अच्छा, कि बच्चे आप जाते हो उन गरीबों की सेवा के लिए, तो उनकी सेवा आप कैसे करेंगे? आपके मन के अंदर दया भावना है ना, कैसे उनके पास जाएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे? उसके लिए शरीर चाहिए ना आपको, चाहिए, और इस शरीर की संभाल चाहिए ना। इस शरीर की अगर संभाल नहीं करेंगे, जैसे तैसे इसको चलाएंगे तो जोर आ जाएगा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कौन सेवा करेगा? सेवा खत्म। इसलिए लौकिक नाते से देखो, जो साइन मात्र करेगा लिखेगा, उसको ठाँव जगह रेस्ट के लिए कहाँ हिल स्टेशन कहाँ कहाँ उठाते हैं, और जो बोरे उठाता है वो फुटपाथ पर सो जाए, वो फुटपाथ पर ठीक रहता है, फर्क हुआ ना? फर्क है। इसीलिए उसका अभिमान नहीं आता है। इस शरीर हमारे को भगवान ने दिया है या प्रकृति ने दिया, हमारे कर्म से दिया है, अच्छा रहना चाहिए। क्यों? कि अगर पैर में दर्द हो जाएगा तो कल कार्यक्रम है तो हम तो जा नहीं पाएंगे। भाई इसको मालिश करो, दवाई ले आओ, कोई अच्छी रीति से लगा पाए, मांगी है धीरे,
कोई हर्जा नहीं लिया तू अभी, मेरे को तो कल जाने का है, वहाँ तो जरूरी है, वहाँ तो मुझे देखना है, देना है, लेना है, क्या करना है, इसके लिए इस शरीर में अभिमान नहीं आता है। ठीक, करुणा क्या है दीदी? करुणा, करुणा दया, दया भीतर है तब तो इसकी सेवा में लगती है, तब तो ऐसा काम धाम करते हैं ना, उसके लिए भी करुणा है, करुणा आई, दया आई, देना है तो देना किससे है, ऊपर से तो नहीं गिरेगा, पैसा चाहिए तो कमाने के लिए करना पड़ेगा धंधा काम धाम, कुछ कुछ मेहनत कहनत करना होगा ना। लक्ष्मी दान देती है, ऐसे करके देती है तब ना देती है, होएगा नहीं लक्ष्मी के पास तो कहाँ से देगी, इसलिए करती है, लेकिन उसको वेस्ट करुणा दया वाले नहीं करती है, वेस्ट नहीं करते, इतना भी इसका नहीं पीते है, वो उसका अच्छे खाते में जमा नहीं हुआ, ऐसा किया उसके अच्छे खाते में जमा नहीं हुआ। ये पानी तो चाहिए ना, चाहिए ना पानी, चाहिए, पेट में आना तो चाहिए ना, चाहिए ना, इसलिए शिव बाबा ने बहुत सहज सरल सिखलाया, इसलिए ये देखो कोई भाई बहन ने प्यार प्यार से दिया, इतनी वहाँ तो ब्रिकुटी मंडप में भीड़ा भीड़, कोई तौलिया कोई ये, तो जो देखो यज्ञ में उन्हों को भी औरों को देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम लोग आप जाएंगे ना तो थोड़ा यज्ञ से मिलेगा, हम लोग खुश हो जाएंगे, ओहो दादी ये तौलिया पता का हमें तो बच से मिला, अच्छा बाबा ने दिया, हाँ बाबा ने दिया, ये तल रहा है, तो हम लोग भी इसको रखेंगे नहीं, ऐसे वो लोग भी लेके नहीं गए, लेकिन हम तो पहुँचाएंगे ना, ये अमानत है। श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान धम्म दान है, धम्म मतलब ज्ञान का दान, आपका क्या कहना है इसमें? तो ज्ञान तो है ही है ना, शिव बाबा ज्ञान का सागर, कौन सा ज्ञान, आई डॉक्टर को अपना ऑपरेशन का ज्ञान है, डॉक्टर को आँखा का ज्ञान है ना, ज्ञान है ना सबके पास अपना अपना ढंग का, लेकिन आत्मिक ज्ञान जो है जिससे उत्थान हो, उन्नति हो, प्रगति हो, वो नहीं है। मानव ने ज्ञान दिया, क्या ज्ञान को मानव को आकाश में उड़ा दिया, चांद में उड़ा दिया, वही सुख शांति, क्या विज्ञान ने क्या मानव को दिया, चाहिए विज्ञान भी चाहिए, पर उससे क्या हुआ, सुख हुआ, शांति हुई, इसलिए रियल जो है वो शिव बाबा ने आके बतलाया। तो हम लोग का देखो लाइफ जीवन बिना कौड़ी बिना कहते हैं ना उसके बादशाह है, बेफिक्र बादशाह। आपकी ज़िंदगी में तो कई प्रकार के अमीर भी देखे हैं, कई प्रकार के लोग देखे हैं। जी जी, मैंने सुनी है कि जिसने देना सीखा है वो बहुत मल्टीप्लाई होके फिर वापस आएगा, ये सच्ची बात है? कैसे देखिए, जैसे किसी ने लोक सेवा के लिए कुछ दिया और लगता तो है कि उसने फोगट में दिया, उसने बिजनेस तो की नहीं, जस्ट दे दिया, तो लोग कहते हैं कि जो देने वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई होके फिर आ जाता है उसके पास, ये अद्भुत सा विज्ञान है, ये मैंने सुना है। नहीं तो वो आता तो है ना, आता पक्का आता है, ये तो रियल है, वो तो अभी अभी हम लोग अनुभव करते हैं, अभी लौकिक नाते में भी बैंक में जमा करो, बच्चे को दियो एक रुपया, वो उसमें डाल देगा, या फुगनी होती है ना उसमें डालेगा, खर्चा नहीं करेगा, खर्चा नहीं किया, खाया तो नहीं बेचारे, तो खर्च तो नहीं किया, लेकिन खुशी तो होगा ना। कोई कोई बच्चा अपनी वो बुगनी लेकर के यहाँ आया, माटो की दीदी के देनी है, दीदी फिर है ना खुशी। तो बैंक में रखने से
हमारा दिल मन दुख सुख में खुश रहेगा ना, चिंता नहीं होगी ना। हमने उसको बर्बाद नहीं किया, हमने उसको फजूल खर्च नहीं किया। और फिर उसके साथ कलयुग में भी गवर्नमेंट सरकार बैंक हमें ब्याज देता है। तो अगर अच्छे के नाम से हम देते हैं, रियल दिल से करते हैं, तो ब्याज तो स्वाभाविक है ही है। एक बीज हम माटो में डालते हैं, माटो एक बीज के बदले हमारे को इतना बीज देती है, अस्तित्व के इतना फल देती है। इसलिए हमें ये ज्ञान है, कहते हैं कर भला हो भला, स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। मात्र मेरे से विश्व परिवर्तन, हाँ बच्ची शिवा बजाते बच्चे विश्व परिवर्तन हो जाएगा धीरज धरो, ज्योति से ज्योति जगती है। इसलिए क्यों नहीं है, संग का रंग लगता है, और है ना लाखों लाखों है ना चल रहे हैं ना, गड़बड़ तो छोड़ा नहीं, सेवा तो छोड़ी नहीं, परिवार तो छोड़े, जन 20-20 घंटा सेवा काम धाम में पूर्ति हो गई है, नहीं थोड़ा क्या छूट गया नराम रोबानी खराब बानी। तो अच्छा है ना, ये तो सबको कलयुगी मानव बेचारा झुक जाता है। इसलिए स्वार्थ की भावना जो आज दुनिया में है, देखो करने जाती है कुछ और स्वार्थ की भावना से लोग अपने बोलते हैं, अब फलाने को कुर्सी मिली है, अब 5-2 वर्ष रहेगा कि 5 वर्ष अब उसको तो इकट्ठा करना है, उसके बाद तो उसको कुर्सी नहीं होगी तो इकट्ठा कैसे करेगा। ये सब क्या है, उसको ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं है, ज्ञान की कमी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और कोई मनुष्यात्मा नहीं है, चाहे वो जितना तप करे त्याग करे जो भी करे। अब जैसे आपने बतलाया कि बतलाती है और अपने क्या करती है, रियल साक्षी होके मासू दियो मासू खा जाएंगे, नहीं दियो नहीं खा जाएंगे, सूखा दियो सूखा खा जाएंगे, जैसा भी देंगे करेंगे, क्योंकि आपने दिया है। क्या हमारे को ज्ञान है, दिमाग है, ये ज्ञान है क्या? आप हमको उल्टा लटकाएंगे तो हम उल्टा लटक जाएंगे, हम जानवर नहीं है ना, खिलाओ क्यों हमारी मति मारी हुई है। हमें मालूम है हिंसा करके आए हैं, हमको दे रहे हैं हम खा जाए, तो कहाँ की चल रही है। नहीं समझ रहा हूँ, यही तो शिव बाबा ने हम लोग को सिखाया ना। दूसरी बात मैं पूछूंगा दीदी आपसे, शिव बाबा है फिर हम आत्मा इधर है, मगर तो शिव बाबा आते हैं ना संसार में, आते हैं ना धर्म पिताएं आए, धर्म की स्थापना की, इब्राहिम बौद्ध का इस आए ना दुनिया में संसार में, तभी भी संसार का क्या हाल है, तब शिवरात्रि शिवरात्रि वो जब आते हैं तब सत्य की स्थापना करते हैं, तब कलयुग का खत्म अंतिम होता है और सत्कार हो रहा है। ठीक, जैसे जी जो शंकराचार्य लोग हैं अद्वैत वेदांत वाले हैं, जैसे शिव बाबा है और हम इधर आत्मा है, ये तो द्वैत ही हुआ ना, अद्वैत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? अद्वैत आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन कर दिया जब सतगुरु मिला दला। भगवान स्वयं आते हैं ब्रह्मा की तन में, हम दोनों को मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्यों दो हैं, बाप और बच्चा, तमेव माता पिता तमेव बंधु च सखा, किसका कोई दूसरा है ना। मन के भीतर द्वेष आया है, देखिए रियल तो दो है ना, इसीलिए शिव बाबा बाप आमा बुआ साथी सब हम उसके बच्चे हैं। Sure. लौकिक नाते में चलता आता है ना ये रस्म रिवाज है ना, इसका मतलब एक रस उनसे होना वो अद्वैत है। ओके,
एक रस होना, एक रस होना, अद्वैत है, रियल सत्य। अच्छा, हमारा बुआ है, हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, बुआ है, तो कायदे से चलना, नियम से चलना, ये क्या है? नहीं, एक ही तो है ना, और क्या है? आज अद्वैत है ना, कितना फैला हुआ, क्या है दुनिया में? तो ये जी भावना की बात हुई, भाव 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 जगत में भाव, भावना फिर अंधविश्वास में हमारी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब एक रस वाला भाव, कायदे से भावना कायदे से है, जानवर जानवर है, मानव मानव है, जानवर भी ठीक होगा जब मानव ठीक हो जाएगा। ओम शांति। उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क है नहीं, जैसे कि समुद्र और उसके जो छाल होते हैं उनमें वास्तव में कोई फर्क है नहीं, वो भी एक रस के हिसाब से एक ही रस है वास्तव में। इस हिसाब से तो इसीलिए अद्वैत की बात होती है, इन रियालिटीज जो विविधता दिखाई पड़ती है, ये जस एक प्रकार की ड्रामा है, जैसे इधर कहते हैं अलग अलग शरीर बने हैं, अलग अलग क्रिएशन बने हैं, अलग अलग प्लेनेट बने हैं, फिर भी उसका जो इसेंशियल जो स्टफ जो है जिससे सब कुछ बनी है वो वही वही चेत परम चेतना है, परम चैतन्य है, उसके अलावा और बाकी कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है, दृष्टि सृष्टि बात की बात होती है ना ये वेदांत में। इसीलिए जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या कहा, पढ़ा लिखा सुना भूल, जो मैं सुनाता हूँ वो सुन, अर्जुन बुद्धू था क्या? लास्ट में वही बोला था फिर। इसलिए भगवान भी हमें जो सुनाते हैं कहते बच्चे ये भूल, सब कुछ है, हम इसको कैसे नहीं समझेंगे, ये ट्रे है, आप इसको पानी समझो ना, हम इसको कैसे पानी समझेंगे, हम अंधविश्वासी नहीं है, हमें भगवान ने नेत्र दिया। इसीलिए मनुष्य तले 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 खसता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग अभी काला युग है ना, इसलिए ऐसे समय पर भगवान कहती है बच्चे सबूल जो मैं सुनाता हूँ अब वो सुन, आत्मा परमात्मा एक, तो हमारे में कौन से परमात्मा वाले गुण है, भोगी विकारी गंदे क्या क्या भ्रष्ट क्या क्या लोभी मोही हंकारी, क्या भगवान है हमारे अंदर बैठ के कर, हम भगवान कर रहे हैं क्या? अब तो हमको बोलने में लाज आती है, इतनी भगवान की इंसल्ट है। हमारी माँ मरी, किसी ने बोला बिरालो बन गई है, ओहो जी बिरालो कैसे छूटेगी, अरे भगवान बिरालो में है, भगवान बिरालो है, कुकर है, सुअर है, सब है, हमारा माँ बाप सुअर जाके बन गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं इसका मतलब रॉन्ग है, जो हमें पसंद नहीं आता है राइट नहीं है, तो हम लोग यही तो शिव बाबा ने अंधविश्वास दूर किया ना, इसीलिए तो हम लोग सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, चाहे शरीर कष्ट है, चाहे तन कष्ट है, चाहे संसार, चाहे जो भी है, ये तो कलयुग में होना है, हमारे किए हुए कर्म का फल है, इसे दूसरों को दोष नहीं देके स्वयं को दोषी और औरों को समझाती है। ठीक, अगर सब कुछ इस ब्रह्मांड से समाप्त हो गया तो अंतिम सत्य क्या बाकी रह जाता है? इसे हो गया, ये तो अनुमान है ना, नहीं, रियल नहीं है, ये खत्म होना ही नहीं है, ये ड्रामा का चक्कर चलता रहता है, घड़ी जो है अभी खड़ी हो जाए तो फिर ये तो यहाँ तो कोई अंधविश्वास नहीं है ना, ये तो चलना ही है, इस सृष्टि का चक्कर अनादि अविनाशी, विज्ञान ने भी कहा, सब ने कहा, सब लोग ने बोला ऐसा। दीदी ऐसा तो हो सकता है कि
विज्ञान के कुछ नियम कानून है, उसकी वजह से हम दिखाई पड़ता है। आपका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, ये सारे जितने भी अलग अलग मगर किसी तरह से बंधे हुए हैं। अगर वो नियम खींच दी परमात्मा ने, कैसे खींच देगा, खींचेगा ही नहीं फिर, वो तो खींचेगा ही नहीं ना। कोई बोले देखो जी आपका तो बेटा है, आप बेटे को मार दें तो मैं कहीं को मारेगा। अरे फिर क्या हो, फलाने ने भी तो मार दिए ना, वो नियम तो बनाया गया है। फिर इसीलिए बनाया गया है, इसे सब छोड़ देना चाहिए। जिसको जाओ जैसे मारो, जैसे उठाओ, जैसे करो जो करो, हो रहा है ना कलयुग में, उसी को तो आप बंध रहे हैं ना, उसी के बंधन में तो आप सेवा में है ना। अरे आखा नहीं है तो ना सही, भूखे मर रहे तो मरने दो, क्यों फिर उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्यों आपके मन में करुणा आती है। ये तो हो रहा, राइट हो रहा, होने दो, देखते रहिए। इसका मतलब आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, बनाओ आप ही ऐसा ही, मरने तो सब उनके नो हम जिस रियल जो है वो सत्य है, दया है, शुद्धता है, पवित्रता है, प्यार है, स्नेह है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है कि ना। भगवान का भी यही है, वो परमात्मा हम आत्मा, हमारा रूप उसका रूप एक जैसा है, क्योंकि संस्कार तो अलग अलग है ना। हमारी आमा का नाक है तो मेरा भी तो नाक है ना, तो मेरा और आमा का एक जैसा स्वभाव तो नहीं है ना, फर्क होता है ना। इसी प्रकार आत्मा के भीतर अपना अपना स्वभाव संस्कार है, लेकिन शुरुआत में हमारा भगवान जैसा स्वभाव था, वाणी थी, हमें भी पवित्रता, सत्यता, 16 कला, देवता है। आज मट्टी की मूर्ति देवता की आ गई है तो राजा का भी टाउ झुक जाता है कि ना। हमें नहीं बताती सत्यता थी, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न दीदी आपके लिए, अंतिम सत्य क्या है, फाइनल ट्रूथ? फाइनल है अशरीरी, इस देह का हम देह हैं, इसलिए मेरा प्रश्न था आपका अंतिम सत्य क्या है। सत्य क्या है? अंतिम सत्य है कि हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का पिता भगवान श्री बाबा है, हमारा घर परम धाम है, हम परम धाम से आए हैं इस संसार में सृष्टि रंगमंच पर अपना कर्म करने के लिए। इसलिए अब हमने जो कर्म था वो बीच बीच में अली तलेमाती हो गया, तलेमाती होने से हमारी जीवन में कई घटनाएं आने लगी, इसलिए हमें अभी उसको जो हम थे हमें वही बनना, उसके लिए हमें दे का भान भुलाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, तो दे का अभिमान भूलता जाता है कि ना। कि हम आत्मा जब जाएंगी अच्छी होंगी तो अच्छा शरीर मिलेगा, सुन सच्चा होगा तो सच्चा जेवर बनेगा, जेवर बनते उसमें मिक्स होता जाएगा कुछ कुछ, तो वो क्या से क्या हो जाता है, कहते हैं गांव का सुन जेवर और शहर पे फर्क होता है। इसी प्रकार हमें अंतिम सत्य है कि हमारा रहन सहन वाणी
हमारा स्वभाव राम्रो होता जाए हो रहा है अंतिम सत्य, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। बहुत शुक्रिया दीदी।